हेलो गाइस, वेलकम टू MotorOctane। मेरा नाम है विराट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ द होंडा अमेज। ये VX डीजल मैनुअल है और हमने इस पे एक महीने में 1300 किलोमीटर कवर किए हैं। हम आपको इस वीडियो में इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताने वाले हैं, तो अगर आप ये गाड़ी सीरियसली कंसिडर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए एंड तक। एक्सटीरियर में कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, मुझे इसके लुक्स स्टार्ट से ही पसंद थे। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी हमने कंपैरिजन किया था जहाँ पर हम सारी कॉम्पैक्ट सेडान्स को लेकर आए थे एंड द अमेज स्टूड आउट बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि जो SUV-ish लुक्स मिलते हैं इस गाड़ी को, ये इसको कॉम्पिटिशन से अपार्ट सेट करते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट देर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स एंड द फर्स्ट बींग द हेडलैम्प्स। आपको हेडलैम्प्स में डेटा एंड रनिंग LEDs मिलते हैं और कन्वेंशनल बल्ब ही मिलता है येलो कलर का। इसके हिसाब से इल्यूमिनेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं रात को गाड़ी काफ़ी चलाता हूँ एंड आई हैव नोटिस्ड कि हेडलैम्प्स का जो थ्रो है वो इतना अच्छा नहीं है। कॉन्स्टेंटली आपको बिटवीन द हाई बीम एंड लो बीम हाईवे पे शफल करना पड़ेगा। दूसरा, इसके टायर्स के बारे में बात करना है मुझे। अभी टायर्स जो है इसके 15 इंच के, ये अच्छे हैं, बट ये एलॉय व्हील्स जो मिलते हैं इसको सिल्वर कलर के, ये एस्थेटिकली गाड़ी के साथ नहीं जाते। टायर्स को थोड़ा सा छोटा सा लुक देते हैं, विच आई डू नॉट लाइक पर्सनली, क्योंकि सिल्वर ऑन सिल्वर डजंट लुक दैट ग्रेट। बट एक फीचर जो मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर वो है द कीलेस एंट्री। कीलेस एंट्री आपको बहुत गाड़ियों में मिलता है, बट यहाँ पर यूनिक चीज़ ये है कि आपको सिर्फ अपना हाथ डालने की ज़रूरत है एंड द कार ओपन्स इटसेल्फ। तो अगर आप बहुत सारे सामान के साथ आए हैं एंड यू नीड टू अनलॉक योर कार, आप कीज के पास नहीं जा सकते, आप बटन तक भी नहीं दबा सकते, तो होंडा ने एक सोल्यूशन रखा है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर हैंडल के उस पार है, आपका हाथ हैंडल के उस पार चले जाता है, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ये मुझे बहुत पसंद है। बाकी मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक्सटीरियर ये ज़्यादा प्लेन जेन लग रहा है, होंडा एक एस वेरियंट भी देता है अमेज का, जहाँ पर आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, एक ब्लैक स्पॉयलर मिल जाता है, ब्लैक वाइजर्स मिल जाते हैं डोर सिल के लिए, और आपको थोड़ा सा क्रोम भी मिलता है। सो दैट डज मेक द कार बेटर। लेट्स गेट इनसाइड नाउ। मुझे इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर बहुत पसंद आता है। फॉर डेली यूज़ गेटिंग इनटू दिस कार एक प्रीमियम फीलिंग ज़रूर आती है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखें, आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, मीडिया बटन्स, ये सब दिए हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ लुक्स वेरी नाइस एंड गुड टू ग्रिप ऑन अ डेली बेसिस। कुछ फेड या कुछ अभी तक आया नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर ओवरऑल थोड़े साल चलाएंगे गाड़ी तो ऑब्वियसली कुछ वेयर एंड टेयर आएगा। बट लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आई लाइक इन द कार। मेरे को सबसे पहली चीज़ जो अच्छी लगी है आफ्टर द कीलेस एंट्री इज़ द पुश स्टार्ट स्टॉप। ये इस गाड़ी में एक अच्छा फीचर है। बट अदर देन दैट आई लाइक कि यहाँ पर आपको फ्रंट में 2 नहीं 3 पावर आउटलेट दिए हैं। 2 USB 1.5 एम्पियर एक आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग सॉकेट और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी। तो यू कैन हैव मल्टीपल डिवाइसेस ऑन चार्ज इन दिस कार एंड नॉट हैव अ इशू विद इट। सेकंड, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इसकी टच स्क्रीन है ये काफ़ी बढ़िया नहीं लगी मुझे। 480p डिस्प्ले दिया, एटलीस्ट 720p दे देते। फीचर्स सारे हैं, एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कार प्ले है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, बट दैट डिस्प्ले जस्ट डज नॉट डू जस्टिस टू एवरीथिंग एल्स। एक और चीज़ भी मैंने नोटिस की है कि कभी कभी ये हैंग भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपने समझ लीजिए आपका एंड्रॉयड ऑटो है और आपकी वायर निकल गई है, द होल सिस्टम जस्ट डज नॉट वॉन्ट टू ऑपरेट। ब्लूटूथ भी कनेक्टिविटी जस्ट गोज फॉर अ टॉस। वहाँ पर मुझे लगता है काम करना चाहिए एंड देर आर सम डीबगिंग दैट नीड्स टू हैपन ऑन दिस सिस्टम। सीट्स जो है इस गाड़ी की, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सीट्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, बट सिटी के लिए ये ठीक है, हाईवे पे ये थोड़ी सॉफ्ट फील करती है एंड इट डू सैग। लोअर बैक में आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं है इस सीट्स में। बोल्स्टरिंग काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पे एक हेडरेस्ट मिलता है, बट ये VX वेरिएंट पे आपको यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता। सेकंड रो में आपको ज़रूर आर्मरेस्ट मिलता है एंड लेट्स गो देयर टू फाइंड आउट मोर। अब हम आ गए हैं सेकंड रो में एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू बी। कॉम्पैक्ट सेडान्स में काफ़ी अच्छी जगह होती है, बट द अमेज जस्ट यूटिलाइज द स्पेस रियली वेल।
फॉर द पैसेंजर्स कम्फर्ट. आपको अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिलता है. पोलस्टरिंग यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलती है. आप अपना शोल्डर यहाँ तक रखें, कुछ भी करें, आपको बोलस्ट्रिंग मिलती है काफ़ी अच्छी. आपको एक आर्म रेस्ट मिलता है विथ कप होल्डर्स, विच इज़ वेरी गुड. सिर्फ एक चीज़ है, यू डोंट गेट एन एडजस्टेबल हेड रेस्ट, वो ही एक इशू है यहाँ पर. आपको पीछे एयरवेंट्स नहीं मिलते, एंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर इशू. मैंने ऑक्यूपेंट्स जो बैठते हैं पीछे, उनसे एक बार पूछा था कि कूलिंग फटाफट होती है क्या पीछे, उन्होंने बोला नहीं होती. एंड ऑन लॉन्ग जर्नीज इवन माई मदर वंस वॉज सिटिंग इन द कार विद मी, और उन्होंने बोला कि एसी ऑन है कि नहीं. सो दैट वाज एन इशू. आपको पीछे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलता है, विच इज़ अगेन एक्सपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिवाइसेस यू कैन चार्ज इन द कार. स्टोरेज दूसरी आपको बताओ कि पीछे यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं दोनों सीट्स के पीछे. आपको चारों डोर पैड्स पे एक एक लीटर की पानी की बॉटल रखने की जगह भी है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. ओवरऑल द रियर इज़ अ गुड प्लेस टू बी. जो इसका टनल है वो भी काफ़ी लो है, तो जो अगर पैसेंजर पीछे मिडल में भी बैठेगा जैसे अभी मैं बैठा हूँ, इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू बी. आप आराम से बीच में भी बैठ सकते हैं, एंड यू हैव इनफ लेग रूम. अगेन लेट मी जस्ट शो यू द लेग रूम. यू हैव इनफ लेग रूम एंड हेड रूम इन दिस कार. सिर्फ एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे देते और एक रियर एसी वेंट दे देते, वो ही यहाँ पर नीडेड था. गाड़ी चला के देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा. अब गाइज ये गाड़ी मैंने लास्ट 1.5 मंथ ऑलमोस्ट डेली यूज़ किए, ऑफिस जाना, कहीं पर भी काम पे जाने के लिए, एंड आई हैव लव्ड ड्राइविंग दिस कार फॉर एवरी मोमेंट. जो 1.5 लीटर इंजन है इसका, 100 ब्रेक हॉर्स पावर, 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, इज जस्ट सो क्रीमी स्मूथ. होंडा रियली नोज हाउ टू मेक देयर 1.5 लीटर इंजन स्टैंड आउट. आई मीन आप कहीं पर भी हो, कोई भी गियर में हो, यू हैव दैट लो एंड टॉर्क दैट यू नीड टू पंच आउट. लाइक जस्ट इट्स सो एफर्टलेस. ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगती है गाड़ी की. आपको खड्डे भी हैं, थोड़े से महसूस होते हैं, बट नॉट दैट मच. एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इन द हैंडलिंग डिपार्टमेंट अमेज इज़ नॉट दैट ग्रेट. लेट मी जस्ट शिफ्ट अप अ गियर फॉर यू. इसके जो NVH लेवल्स हैं दे आर अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड. जो ये डीजल इंजन है इसकी आवाज़ काफ़ी अंदर कैबिन में आती है. टायर नॉइज थोड़ी सबड्यूड है, दैट इज़ नॉट एन इशू, बट द डीजल इंजन क्लैटर डस सीप इन टू द कैबिन. यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलता हूँ आपको कि जो ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की वो इतनी अच्छी नहीं है. मतलब यू डोंट फील द कार विल गो अस्ट्रे या कुछ होएगी, टॉपल होएगी, ये सब चीज़ें मत सोचो. एक फैक्टर है इसका और वो है वॉलोइंग. तो हाई स्पीड पे आई थिंक दिस इज मोर डाउन टू द टायर्स देन एनीथिंग एल्स. ये जो 15-inch के टायर्स हैं दे डू नॉट टेंड टू कोप विद द वेट ऑफ द कार एट हाई स्पीड. यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी थोड़ी सी हिलती रहेगी, एंड इट डज मेक यू अ लिटिल बिट अनसर्टेन, बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू क्विकली चेंज लेन्स और डू एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में. थोड़ा से NVH लेवल्स आर अ लिटिल हाई, बट अदर देन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस कार फॉर ड्राइविंग. आई रियली लव द मैनुअल वर्जन एंड इट्स अ ब्लास्ट टू ड्राइव. जो इसकी राइड है दैट इज ऑल्सो सुपर्ब. इट इज़ अ लिटल ऑन द सॉफ्टर साइड. मैं थोड़ा प्रेफर करता है थोड़ी और स्टिफ होती, बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ये सॉफ्ट वॉलोई राइड जो है ये मोर टूवर्ड्स सिटी ड्राइविंग है, जहाँ पे खड्डे होते हैं और छोटे पॉटहोल्स होते हैं, वहाँ पे आपको जो जर्क मिलता है पॉटहोल्स में जाने से उससे बचाने के लिए. बट आई वुड से कि थोड़ा स्टिफ होता तो बेटर होता, क्योंकि पॉटहोल्स में अभी भी जब ये गाड़ी जाती है वहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि द होल कार टेंड्स टू शेक and it just doesn't solve the problem. Thoda stiffer hona chahiye tha suspension ko. Aur so guys ye tha hamara long term review of the Honda Amaze. Ye gaadi mujhe personally bahut pasand aayi hai. Jo iske chote mote niggles the I do not get bothered by them. Mujhe ye gaadi daily use karne mein iske features, convenience aur mileage ki wajah se badhiya lagi hai. Hame zarur comments mein bataiye ki kya aap is gaadi ko consider karenge aur aapko kaun se aur long term reviews hamare channel pe chahiye, wo sab hame bataiye. इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. इस गाड़ी की और न्यूज़ अगर चाहिए आपको या दूसरी गाड़ियों की और न्यूज़ चाहिए तो MotorOctane.com पर भी जाइए, हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए. टेक केयर, ड्राइव सेफ़.